हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स। मेरे चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डियर क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। देखिए, डे फर्स्ट है, अकाउंटेंसी 11th चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है डियर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चीज़ें अगर ना समझ में आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को आगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो जी, सबसे पहले तो देखिए डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल यानी कि डिक्रीज होना। फॉल यहाँ पे लिख सकते हैं, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेस्ट। ठीक है डियर, वैल्यू ऑफ एसेस्ट ड्यू टू रीजंस होते हैं इनके, यूजेस दैट इज वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर। और दूसरा इफ्लेक्स ऑफ टाइम, या फिर इसको आप ये कह सकते हैं पासिंग और लैप्स ऑफ टाइम। अभी मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में, लैप्स ऑफ टाइम। और एक और होता है यहाँ पे, सी ऑप्शन पे आ जाइए, ऑब्सोलेसेंस। और एक आपका डी ऑप्शन होता है एक्सीडेंट। तो डियर, मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना डियर, एक तरह का फॉल्स यानी डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेस्ट, यानी कि कोई भी आपकी असेस्ट है, असेस्ट की वैल्यू का घटना, असेस्ट की वैल्यू डिक्रीज होनी, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। यानी कि असेस्ट की वैल्यू कैसे कम होती है, कुछ रीजंस होते हैं, या तो हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजेस दैट इज़ वेयर एंड टेयर, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई ओबियसली सी बात है जितनी चीज़ पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू घटती जाती है। वही चीज़ है इफ्लेक्स ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के दौरान भी किसी असेस्ट की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है डियर। और एक होता है ऑब्सोलेंस, यानी कोई चीज़ चलन से बाहर हो जाना। चलन से बाहर होने का मतलब होता है डियर कि जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न चलता था, लेकिन अब तो नहीं चलता है ना, क्योंकि एक चलन से बाहर हो चुका है, क्योंकि अब हर किसी के घर में आप एलईडी देखते हो, या फिर भाई स्मार्ट टेलीविज़न आ गए हैं, है ना, तो वो होता है एक ऑब्सोलेंस। ठीक है, और उसके बाद कोई भी चीज़ है, कोई आपकी असेस्ट है, अगर उसको एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी क्या करता है कि वो भी आपके असेस्ट की वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सा फंडा, कुछ और नहीं है, बस इतना याद रखिएगा डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, आगे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो एक डेप्रिसिएशन होता है, डियर, और एक और होता है चीज़ जिसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पे कि द टर्म ऑफ द टर्म डेप्रिसिएशन, द टर्म ऑफ डेप्रिसिएशन इज एसोसिएटेड विथ
विथ दी टेंजिबल असेट. क्या होता है डियर? टेंजिबल टेंजिबल एसेट कह लो या टेंजिबल फिक्स एसेट कह सकते हो आप, टेंजिबल फिक्स एसेट कह सकते हो. ठीक है डियर. तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? टेंजिबल फिक्स एसेट के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है डियर. और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है, अमोर्टाइजेशन. क्या बोला था? द टर्म दी टर्म अमोर्टाइजेशन. ठीक है डियर. अमोर्टाइजेशन इज एसोसिएटेड is associated with, आप चाहो तो लिख सकते हो with intangible assets, intangible asset. ठीक है डियर. तो याद रखिएगा कि जो अमोर्टाइजेशन का इस्तेमाल हम करते हैं वो इंटेंजिबल असेट्स के साथ होता है. तो ये इंटेंजिबल जो अमोर्टाइजेशन है ये आप यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हो, ये आप पढ़ोगे ट्वेल्थ क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में भी थोड़ा सा आपका जो जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टॉपिक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा. और ये आप पढ़ोगे हायर एजुकेशन, यानी कि आप जब बीकॉम में जाएंगे तब आप वहाँ पे अमोर्टाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है डियर. तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. चलिए और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मेथड्स के बारे में. किसके बारे में डियर? मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हम जो डेप्रिसिएशन करने वाले हैं यहाँ पे कुछ मेथड का इस्तेमाल करेंगे. क्या? देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे डियर, जो हमारा मेथड है, मेथड्स. ठीक है डियर. तो मेथड्स जो है हमारा, पहला नंबर जो होता है मेथड हमारा, फर्स्ट नंबर पे जो मेथड है वो हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड. क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है ना. आप इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कह सकते हैं या फिर इसको आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं डियर इसको? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं आप. ठीक है. या फिर एक और नाम होता है फिक्स इंस्टॉल. ठीक है डियर. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. ठीक है. यानी कि ये कुछ डेप्रिसिएशन जब हम करेंगे तो इस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं. लेकिन बेसिकली हमारी जो बुक में, जो टी एस अग्रवाल की बुक में है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से भी बताया गया है और स्ट्रेट लाइन मेथड से. तो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं SLM मेथड. क्या कहते हैं डियर? SLM मेथड. ठीक है ना. तो एक हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या भी इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं. और एक होता हमारा दूसरे नंबर पे होता हमारा डियर, दूसरे नंबर पे होता हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है. या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं डियर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को एक और नाम से जानते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. क्या कहते हैं डियर इसको? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं हम, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड. रिटेन डाउन वैल्यू मेथड. यानी कि इसको सीधा सा अगर मैं कहूँ आपको, इसको हम DVM मेथड कहते हैं. क्या कहते हैं डियर? DVM मेथड. ठीक है ना. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से जानते हैं इनको, DVM मेथड कह लो. तो इसको ज़्यादातर SLM या DVM मेथड के नाम से हम जानते हैं. किस नाम से जानते हैं डियर?
SLM जो मैंने आपको ऊपर बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक मैंने बताया आपको DBM, W एक होता है WDBM भी कह सकते हैं इसको, और DBM यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से हम जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डियर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जरा हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम डेप्रिसिएशन बनाते हैं डियर, ठीक है, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय क्या होता है कि हमें एक मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि एक असेस्ड अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है डियर। तो असेस्ड अकाउंट बनाने के लिए हमें मतलब एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, तो वो फॉर्मेट भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए फॉर्मेट क्या होता है डियर, यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा ये हमारा। वैसे आप लोगों ने पढ़ा है लेज़र तो पढ़ा ही होगा, लाइक लेज़र ही होता है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है डियर, मशीनरी अकाउंट, और आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एज पर एंड सो, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं डियर, देखिए मशीनरी अकाउंट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, और मैं आपको तैयार फॉर्मेट तैयार करके दिखा देता हूँ आपको, आप लोगों ने सीखा भी है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है डियर। देखिए ये मशीनरी अकाउंट, ठीक है, चलिए देखिए ये साइड जो होता है ये डेबिट साइड होता है, और ये जो साइड होता है ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है डियर, डेबिट और क्रेडिट साइड। ये आपका डेट होगा, ये पार्टिकुलर, और ये आपका अमाउंट डेबिट अमाउंट होगा, ये याद रखिएगा। फिर हम यहाँ पे डेट पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर, फिर यहाँ पे अमाउंट, ठीक है डियर। जब हम मशीनरी परचेज करते हैं, ठीक है डियर, जब हम मशीनरी परचेज करेंगे यानी कि जब हम असेस्ट को परचेज करते हैं तो हमेशा डेबिट होता है। सपोज मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2021 को कोई भी मशीनरी परचेज की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे 2021 और ऐसे करके लिखिएगा 1 अप्रैल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है डियर, टू बैंक अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। उसके बाद एक साल का जब डेप्रिसिएशन कहेगा लगाने के लिए, तो यानी कि जब आपको फाइनेंशियल ईयर तो पता ही है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो अगले साल यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2022। तो पहले आप लिखोगे यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट का अमाउंट इधर डाल लीजिएगा, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट लगाने के बाद जो बचता है यानी कि यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस CD, ठीक है डियर, ये आपका राउंड फिगर होता है, याद रखिएगा बैलेंस CD जो होता है ये आपका राउंड फिगर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहां पे इसको कैलकुलेट कर दीजिए ऐसे, ठीक है, और यहां पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए डेबिट अमाउंट को भी, ठीक है ना, ये दोनों अमाउंट आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज़रा, ठीक है, जो मेथड मैंने आपको बताए हैं SLM मेथड और WDBM मेथड, जो भी मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, तो इनमें क्या होता है डियर, बेसिकली क्या होता है कि भाई जब डेप्रिसिएशन, देखिए देखिए जो दो मेथड मैंने बताए थे आपको, पहला मेथड मैंने क्या बताया था आपको, जो पहला मेथड था वो हमारा था स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है डियर। ये पहला जो था ये स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो इसमें क्या होता है कि आपको कई बार क्या होगा कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, कई बार आपको इस क्वेश्चन के अंदर जब स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको कई बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा डियर, गिवन रहेगा, और कई बार क्या होगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन रहेगा, ठीक है, रेट ऑफ
डेप्रीसिएशन नॉट गिवन रहेगा, ठीक है ना। कई बार आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन रहेगा और कई बार आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन रहेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला होता है हमारा डब्ल्यू डीमियम, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, ठीक है डियर। तो इसमें हमेशा आपको एक चीज हमेशा गिवन रहेगी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा आपको गिवन ही रहेगा, ठीक है डियर। क्या रहेगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको हमेशा यहाँ पे गिवन ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर। चलिए अब हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर दो चीज़ें मैंने बताई, एक बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन रहेगा और एक आध बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं रहेगा। तो इसके लिए ना कुछ फार्मूले लगाते हैं डियर, ठीक है ना। कुछ फार्मूले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए कुछ फार्मूले होते हैं, याद रखिएगा तो ईजी हो जाता आपके लिए कॉन्सेप्ट पूरा। सबसे पहले तो हम कई बार जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होता है, देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर नहीं गिवन रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन। हम देखिए कैलकुलेशन पहला हम यहाँ पे लगाते हैं, कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है डियर। अब हम यहां पे कि भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, है ना, लेकिन मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है डियर, तो आप यहां पे फार्मूला लगाओगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ असेस, क्या लिखते हैं डियर, कॉस्ट ऑफ एसेस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेस्ट माइनस में कर दीजिए आप, ये माइनस है, माइनस में कर दीजिए आप स्क्रैप वैल्यू और उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है डियर, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ ऑफ असेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेस, ठीक है डियर। तो ये एक फार्मूला होता है कि जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है और आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो इस फार्मूले से आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कई बार क्या होता है डियर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ साथ ये भी कह देता है कि आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको बोलेगा निकाल के दिखाने के लिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो दूसरा टॉपिक हो जाता है हमारा कैलकुलेशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है डियर। तो जब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है डियर, देखिए तो उसके लिए फार्मूला होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला होता है तो हम यहां पे लिखाएंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेस्ट और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है डियर। क्या करते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ डियर यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ले रखा है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, एक एग्जांपल हमारा जीएम का, मैं हमेशा पहले एग्जांपल से सोल्व कराता हूँ, फिर उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होंगे वो पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दे रखा, ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹4 लाख यानी कि 4 लाख एंड स्पेंट ₹50,000 इट्स इंस्टॉलेशन। द एस्टिमेट लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर विच इट्स रिड्यूजल वैल्यू विल बी ₹50,000 ओनली। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोला डियर? स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM मेथड से। एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट्स, ठीक है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। यानी कि जो बुक्स है वो हर ईयर 31st March को क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन चलिए बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है डियर? देखिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले तो जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है ना, यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल जा था हमारा, एग्जाम्पल फर्स्ट GM, ये GM है डियर, ग्रेड मैथमेटिक्स, ये मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे? देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कंपनी में क्या बोला गया कि भाई 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी परचेज किया था, यही ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पहले तो देखो एक नोट बना लेते हैं, उससे हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट अप्रैल 2016, ठीक है ना, 2016 मशीन परचेज्ड, क्या किया था, मशीन परचेज्ड किया था कितने में डियर? 4 लाख रुपए में, ठीक है ना। यानी कि सीधी सी बात है 4 लाख, ठीक। उसके बाद उस पर स्पेंड किया था, ठीक है ना, उसके इंस्टॉलेशन पे उसने ₹50,000 क्या किया था, स्पेंड किया था, खर्चा किया था। तो भाई मशीन की टोटल कॉस्ट क्या हो गई डियर? मशीन की टोटल कॉस्ट हो जाती है 4,50,000, ठीक है ना। मशीन की टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 4,50,000, ठीक है डियर। और यहाँ पे उन्होंने दिया भी था कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेड कितना था, कि लाइफ ऑफ द मशीन इज़ अ 10 ईयर, ठीक है ना। तो लाइफ ऑफ जो मशीन है वो लिख लीजिए यहाँ पे, लाइफ एक्सपेक्टेड जो है वो 10 ईयर दे रखा है। क्या दिया रखा है डियर? 10 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेड जो है वो 10 ईयर्स दे रखा है, और हमारे पास दे रखा है भाई स्क्रैप वैल्यू भी दे रखा था, देखिए ना, यानी कि 10 साल के बाद उस मशीनरी की जो कीमत रह जाएगी वो 50,000 रुपये रह जाएगी। कितना रह जाएगी? 50,000 रुपये। यानी कि रिड्यूजल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है डियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो है वो 50,000 रुपीज़ है। कितना है? 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है बाय SLM मेथड। किस मेथड से डियर? स्ट्रेट लाइन मेथड बोला था क्वेश्चन में, है ना। देखिए क्या बोला हुआ है इन्होंने, स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM मेथड से आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो अकाउंट क्लोज हो रहा है डियर, क्या अकाउंट
अकाउंट क्लोज्ड जो हो रहा है वो 31 मार्च, क्या हो रहा है डियर, 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है ना, 31 मार्च एवरी ईयर को अकाउंट क्या कर रहा है, क्लोज हो रहा है। तो इन्होंने बोला है कि मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा कि आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है 3 साल का। देखिए क्या बोला इन्होंने कि एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट 3 ईयर्स का आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। देखिए डियर, पहले साल उन्होंने मशीनरी कब ली थी, मशीनरी उसने 1 अप्रैल 2016 को परचेज किया था, ठीक है। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर हम लेंगे यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर क्या करेंगे हम 31 मार्च 2017, ठीक है। फिर दूसरे साल का जो हम बनाने वाले हैं फर्स्ट अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, ठीक है डियर। उसके बाद एक और साल का रह गया, 3 साल बोला हुआ है ना उन्होंने, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, यानी कि 3 साल का इन्होंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है। तो हम 3 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, बुक्स ऑफ जो एक्स लिमिटेड है उसका एक हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट। तो यहां पे तैयार करते हैं डियर मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ठीक। फॉर्मेट तैयार करते हैं पहले, कैसे फॉर्मेट तैयार करना अभी पीछे मैंने आपको सिखाया था, आइए देख लीजिए। तो 3 साल का हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है डियर, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए ठीक है, चलिए तो ये हमारा डेबिट अमाउंट रहेगा और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट रहेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को डियर। ये हमारा डेट और यहाँ पे पार्टी कूलर और अमाउंट, और यहाँ पे डेट पार्टी कूलर और क्रेडिट, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए ये बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड है, ऊपर लिख सकते हैं आप बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैं पीछे यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट जब तैयार करा था मैंने कुछ यहाँ पे आपको, देखिए कि भाई कंपनी ने क्या किया था, 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी परचेज किया था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2016 और 1 अप्रैल, ठीक है ना, 2016 1 अप्रैल, ठीक है डियर। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में कितने की मशीनरी हो गई थी भाई, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे, देखिए यहाँ से हम तैयार कर लिए, हमने बताया था कि भाई 4 लाख रुपए की तो मशीनरी थी और उस पर 50,000 रुपये स्पेंड किया था, तो टोटल कीमत कितनी हो गई थी मशीन की, 4,50,000 रुपये, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे चढ़ानी पड़ेगी, कैसे, देखिए
यहाँ पे कर सकते हैं, 4 लैक्स की तो आपकी मशीन हो गई थी और इस पे 50,000 उन्होंने स्पेंड किया था, तो टोटल कीमत कितनी हो गई थी, 4,50,000। ठीक है ना, टोटल कीमत कितनी मशीन की बन गई थी, 4,50,000 की। ठीक है, अब हम करेंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई जो ईयर्स हो रहा था हमारा, देखो 1 अप्रैल को खरीदा था हमने यहाँ पे चढ़ा दिया, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है यानी 2017, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च 2017, और हम यहाँ पे पहले लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, नहीं था ना गिवन, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था। ठीक है ना, ना तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन था, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने अभी आपको पीछे एक फार्मूला बताया था। ठीक है डियर, मैंने फार्मूला क्या बताया था, देखिए मैंने कहा यहाँ पे वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट आप लोग वर्किंग नोट जरूर तैयार करिएगा। ठीक है डियर, तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या कहा था मैंने डियर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि भैया कॉस्ट ऑफ एसेट्स कह लो, ठीक है, और उसमें माइनस में कर लीजिए स्क्रैप वैल्यू, क्या कर लीजिए, स्क्रैप वैल्यू और अपॉन में लाइफ एक्सपेक्टेड, यही ना, लाइफ एक्सपेक्टेड। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मशीन की टोटल कीमत कितनी थी, 4,50,000। ठीक है, मशीन की टोटल कीमत कितनी थी, 4,50,000, और उन्होंने स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखाया था ना, स्क्रैप वैल्यू भी हमारे पास 50,000 रुपये का स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, तो उसको क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, माइनस कर देंगे, यानी कि 50,000 रुपये हम यहाँ पे माइनस करेंगे और अपॉन में लाइफ एक्सपेक्टेड कितना था, 10 ईयर, देखो 10 ईयर इसका लाइफ एक्सपेक्टेड था, तो हम यहाँ पे करेंगे 10 ईयर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कि भाई 4,50,000 में से 50,000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या अमाउंट बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा 4 लैक्स ही, है ना, यानी कि 4,00,000 बच गया और अपॉन में क्या हो गया, 10। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ से हमने 0 से 0 काट दिया तो क्या बच गया हमारे पास, यानी कि 40,000 क्या बच रहा है डियर, हमारे पास जो अमाउंट बच रहा है वो 40,000 हो रहा है, क्या बच रहा है, 40,000 का अमाउंट हमारा, साल का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 40,000 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास जो साल का अमाउंट बचा है उसको हम यहाँ पे चढ़ाने वाले हैं, देखिए कैसे चढ़ाएंगे, ये देखिए, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 40,000। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे 31 मार्च को क्या बचेगा, बाई बैलेंस सीडी जो हो जाएगा, यानी कि 4,50,000 में से आप 4,50,000 में से आप 40,000 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास अमाउंट, बताइए, आपके पास बच जाएगा 4,10,000, है ना, 4,10,000, इसको मैंने कहा ऐसे करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वैसे ही यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये तो अमाउंट पूरा 4,50,000 हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी 4,10,000 और ये 40,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,50,000। ठीक है डियर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का तो हमने निकाल लिया, अब हम ये वाला जो अमाउंट है यहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि जो बैलेंस सीडी बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे देखिए 4,10,000 और ये जो जाएगा डेट 2017। ठीक है, 2017
फर्स्ट अप्रैल, ठीक है, और ये लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, ठीक है, क्या दिखाएंगे यहां पे, टू बैलेंस बीडी। फिर फर्स्ट ईयर का हो चुका है, अब सेकेंड ईयर का, तो हम यहां पे करेंगे 2017 हो गया, अब यहां पे लिखेंगे 31st मार्च 2018, और यहां पे हम लिखने वाले हैं बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट। भाई साल का निकाल चुके हम, तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, उस साल का भी, सेकेंड ईयर का भी 40,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा 31st मार्च को बाई बैलेंस जो सीडी बचेगा, यानी कि आप क्या करेंगे, 410,000 में से आप 40,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, 410,000 में से आप 40,000 माइनस करते हैं, तो आपका जो डेप्रिसिएशन बचेगा वो बच जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा डियर, 370,000, है ना, 370,000, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये टोटल मिलके सेम अमाउंट बनेगा, ठीक है, टोटल मिलके ये सेम अमाउंट बनेगा, यानी कि ये जो आ जाएगा ये हो जाएगा 410,000, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 410,000, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा एक लास्ट ईयर का बच गया, तो लास्ट ईयर का भी हम यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं आपको कि लास्ट ईयर का कैसे हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर का अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कितना बैलेंस बच रहा है डियर, यहाँ पे 310,000, तो ये हमारा क्या चल रहा है, 18, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2018 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना, टू बैलेंस बीडी से हम यहाँ पे इसको दिखा देंगे, ठीक है। अब अगले साल का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31st मार्च 2019 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डियर, 40,000 ही, क्योंकि एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, SLM मेथड चल रहा है, याद रखिएगा। तो 40,000 जब हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, तो 31st मार्च को जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, यानी कि 370,000 में से कितना बच रहा है डियर, 370,000 है, ठीक है, 370,000 में से 40,000 माइनस कर लीजिए, तो कितना आपके पास अमाउंट हो जाता है, 330,000 आपका ये अमाउंट हो गया, और इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 370,000, ठीक है, कितना हो गया, 370,000, और यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 370,000, ठीक है। तो ये था हमारा एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल जो हमने आपको करके यहाँ पे दिखाया, ठीक है डियर, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगली क्लासेस में हम कुछ और भी करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।